क्या आपके लिए भी टेंस हुआ है? आपको ये लगता है कि टेंस है या टेंशन है, समझ में नहीं आता कुछ भी? तो गाइज मैं आपको सिखाने वाली हूँ आज सिर्फ एक घंटे में सभी टेंसेस। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। जो चीजें आज आप इसमें सीखेंगे वो आप 2 महीने लगाते हैं सीखने में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 2 महीने में जो चीज आप सीखते हैं आज सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में वो सारे डाउट्स आपके लिए क्लियर हो जाएंगे। तो ये वीडियो एक मिरेकल की तरह होगा आपके लिए। वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको सभी टेंसेस सिखा दूंगी इस एक वीडियो से। आपको एक प्रॉमिस करना होगा कि आप वीडियो को एंड तक देखेंगे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे। हे गाइस, माय नेम इज कंचन एंड यू आर वॉचिंग इंग्लिश कनेक्शन। लेट्स बिगिन। वीडियो के एंड में आपको मिलने वाली एक शानदार टिप जो आपके लिए पूरी जिंदगी काम आएगी गाइस, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वो टिप आपके लिए गोल्डन टिप साबित होने वाली है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टेंस होता क्या है। गाइस बहुत ही पेशेंस के साथ वीडियो को देखना है, एक एक चीज को बारीकी से समझते चलेंगे, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप ये मान लीजिए कि टेंस है दादाजी और इनके 3 बेटे हैं, एक का नाम है पास्ट, एक का नाम है प्रेजेंट और एक का नाम है फ्यूचर। ठीक है, इस तरीके से आप समझेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि दादाजी टेंस, उनके 3 बेटे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इन तीनों के 4 4 बेटे हैं जिनके नाम सेम है गाइस, इनडेफिनेट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इन तीनों के ये 4 4 बेटे हैं, इन सब के नाम सेम है, लेकिन जिस तरीके से आप अपने नाम में सर नेम लगाते हैं ना, वैसे ही इन्होंने भी अपने नाम में अपने अपने पिता का नाम लगा रखा है। तो अगर पास्ट के इन बेटों की बात करें तो उसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर? इसी तरीके से जब हम प्रेजेंट में आएंगे तो ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से फ्यूचर के लिए भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब आपके लिए बहुत ही आसान हो गया इस चीज को समझना कि इन तीनों में जो 4 पार्ट्स हैं उन सबके नाम सेम है, लेकिन उनके साथ साथ आपने इन नामों को जोड़ रखा है। तो अब आपको 3 टेंसेस में टोटल मिला के 4 3 12 आपको 12 टेंसेस सीखने हैं, टोटल 12। लेकिन आप टेंशन ना लें कि ये 12 है, 12 बिल्कुल भी नहीं है। जब आप इन चारों को समझ लेंगे ना, इन चारों को, तो फिर आपके लिए ये 12 टेंसेस बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। जी हाँ, आप तो सीखने 4 हैं, उन 4 से आप इन चारों को और इन चारों को भी बड़े ही आराम से सीख लेंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि इनडेफिनिट क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। यहां तक क्लियर? आपने ये समझ लिया कि टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम टेंस का यूज क्यों करते हैं। तो टेंस होता है, अगर इन हिंदी हम इसे लिखें तो टेंस को हम काल कहते हैं, और भी शुद्ध लिखें तो समय। टेंस हमें समय के बारे में बताता है, और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इन्हें हिंदी में पास्ट को भूतकाल कहते हैं, प्रेजेंट को वर्तमान काल कहते हैं और फ्यूचर को भविष्य काल कहते हैं। तो आप 3 ही समय की तो बात करते हैं ना, जो समय बीत गया जो अभी है और जो आएगा। तो जो बीत गया वो पास्ट, जो अभी है प्रेजेंट और जो आएगा वो फ्यूचर। तो ये तो हो गई समय की बात। अगर हम इन तीनों से ये समझ लेते हैं कि किस समय की बात हो रही है, तो इतने और पार्ट्स करने की जरूरत क्या है। तो गाइज ये जो पार्ट्स हैं ये हमें ये बताते हैं कि काम कितना हुआ है, काम कितना हुआ है। अब इस सेंस को समझने के लिए कि काम कितना हुआ है का क्या मतलब है, तो जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूं, ये काम अभी भी चल रहा है, ठीक है, और मान लीजिए मैं खाना खा चुकी हूं तो वो काम पूरा हो गया है। कल मैंने कुछ किया था, वो काम कल हो गया था। तो कोई काम हो चुका है या हो रहा है या बार बार रिपीट होता है आदत के तौर पे, ये डिसाइड करते हैं ये कैटेगरीज। तो ये जो 4 पार्ट्स हैं इनसे हमें पता चलता है कि काम कितना हुआ है।
और इनसे हमें पता चलता है कि हम किस समय की बात कर रहे हैं। तो गाइस इसलिए टेंस को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो आपने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था वो समझ लिया है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि इनडेफिनिट में कैसे सेंटेंसेस आएंगे, कंटिन्यूअस में क्या आएंगे, परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो गाइस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मैं अश्योर करती हूँ आपको कि आज आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात इनडेफिनिट टेंसेस की करेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट इनडेफिनिट, फिर पास्ट, फिर फ्यूचर, इस तरीके से इनडेफिनिट टेंसेस को पहले समझ लेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस की, जिसे कि सिंपल टेंस भी कहते हैं। तो सारे इनडेफिनिट टेंस सिंपल टेंस भी कहलाते हैं। इसकी पहचान है ता है, ती है, ते है, ती हूँ, ता हूँ। वाक्य के अंत में ऐसे वर्ड्स आएंगे तो आप सीधे तौर पे ये समझे कि जो काम आप आदत के तौर पे करते हैं, मतलब काम हो रहा है कि नहीं, हो चुका है कि नहीं, इससे मतलब नहीं है, ये काम होता है, आप करते हैं। जैसे कि मैं मंजन करती हूँ, मैं 6 बजे उठती हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, तो इस तरीके के सेंटेंसेस इस कैटेगरी में आते हैं। बहुत ही आसान टेंस है, बहुत ही इजीली आपको समझ में आएगा। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर देना चाहूँगी जो कि किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए ज़रूरी है, वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये एक मंत्रा है आपके लिए इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट करने के लिए, कि आपने पहले सब्जेक्ट का यूज करना है, फिर वर्ब का, फिर ऑब्जेक्ट का। हिंदी में क्या होता है, जैसे मैंने आपसे बोला कि मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, ठीक है, इसमें मैं क्या है, सब्जेक्ट है, अंग्रेजी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और पढ़ाती हूँ क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले सब्जेक्ट यूज होता है, फिर ऑब्जेक्ट यूज होता है, और फिर वर्ब यूज होता है। लेकिन इंग्लिश में पहले वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट बाद में आता है। तो सब्जेक्ट क्या है, जो काम को करता है, और वर्ब क्या है, जो क्रिया हो रही है, यानी कि जो काम किया जा रहा है, उठना, बैठना, खाना, सोना, ये सब क्रिया है। और ऑब्जेक्ट क्या है, जिस पर क्रिया हो रही है। जैसे मैं खाना खाती हूँ, तो खाना यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, तो अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है। मैं बाजार जाती हूँ, तो बाजार ऑब्जेक्ट है। सो इस तरीके से आपने ये समझ लिया, ये जो मेन स्ट्रक्चर है ये आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं इस वर्ब की, जो कि थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होता है समझना, क्योंकि वर्ब के फॉर्म्स होते हैं। सब्जेक्ट आप एज इट इज यूज कर लिया आपने, लेकिन वर्ब की फॉर्म्स होती हैं। फॉर्म्स जो कि सबसे ज्यादा जरूरी हैं, V1, V2, V3। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो जैसा आपने सुन भी रखा होगा कि गो, वेंट, गॉन, तो गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकेंड है, गॉन थर्ड है। इसी तरीके से प्ले, सेकेंड फॉर्म प्लेड एंड थर्ड फॉर्म प्लेड। तो आप ध्यान दें कि इसमें पूरी पूरी स्पेलिंग चेंज हो गई और इसमें सिर्फ और सिर्फ ईडी एड हो गया। तो रेगुलर और इरेगुलर वर्ड्स ही होते हैं, वो सब आगे की चीजें आप आगे समझेंगे। अभी आपको सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए इन्हें रटना होता है, इनका कोई और तरीका नहीं होता, इन्हें आपको रटना ही होता है। तो प्ले, प्ले, प्लेड, इसी तरीके से डू, डिड, डन, तो ये भी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो इस तरीके से हम इनको यूज करते हैं अलग अलग टेंसेस में। लेकिन प्रेजेंट में जो यूज होता है उसका स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ई एस एड करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब आप कहेंगे ये कहाँ है, ये इन फॉर्म से अलग है। वी वन में एस या ई एस तब जोड़ते हैं जब ये सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर, ठीक है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर हम वी वन में वर्ब में एस या ई एस जोड़ेंगे। अगर ये प्लूरल है तो फिर ये रूल लागू नहीं होगा और ये एज इट इज आ जाएगा। तो सिंगुलर हो गया एक वचन और प्लूरल हो गया बहुवचन। अब इस चीज को समझने के लिए, इसको सही तरीके से करने के लिए आपको एक और चीज समझना होगा, वो होता है ग्रामेटिकल पर्सन। तो जो हम आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, इनका यूज करते हैं, इसमें होता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, सेकेंड पर्सन में आता है यू, और थर्ड पर्सन में आता है ही, शी,
इट और दे। तो अब इसमें भी आप एक चीज ध्यान दीजिए, ही शी इट सिंगुलर है और इस थर्ड पर्सन में ये एक प्लूरल है दे। तो ये रूल वी वन के साथ ऐसे आइए सिर्फ और सिर्फ इसके साथ लागू होता है, यानी कि ही शी इट या फिर किसी एक व्यक्ति का नाम है तब आप वर्ब में ऐसे आई एस लगाएंगे। तो अगर इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करें, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूं, तो आई के साथ, आई भले ही सिंगुलर है लेकिन ये एक एक्सेप्शन है कि आई के साथ ऐसे आई एस नहीं आएगा, तो इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी आई फिर वर्ब क्या है पढ़ाना टीच। तो यहां हम टीचर्स नहीं बोलेंगे, आई टीच इंग्लिश। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और सेंटेंसेस लेके मैं आपको बताती हूं। तो गाइस यहां देखिए वह गाना गाती है, तो वह क्या है लड़की है इसलिए शी आएगा, शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए इसके साथ वर्ब में ऐसे आई एस जुड़ेगा, शी सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, वे बाजार जाते हैं, वे के लिए आ गया दे, इसके बाद वर्ब क्या है जाना, तो दे क्या है प्लूरल है ऐसे आई एस नहीं आएगा, दे गो टू द मार्केट। इजी है ना, बहुत इजी है। मीरा खाना पकाती है, मीरा सिंगुलर है, एक लड़की का नाम है मीरा कुक्स, ऐसे आई एस आएगा एंड फूड, मीरा कुक्स फूड। राम और रोहन नाचते हैं, तो यहां पे आप देखिए दो लोगों का नाम है राम एंड रोहन, तो यहां पे वर्ब में ऐसे आई एस नहीं आएगा, राम एंड रोहन डांस। ठीक है, अगर मैं बोलती राम नाचता है तो हो जाता राम डांसेस। तो इस तरीके से आपने सिंपल सेंटेंसेस बना लिए। अब बढ़ते हैं नेगेटिव के तरफ। तो गाइस जो आपने पढ़ा था कि सब्जेक्ट फिर वर्ब में एस या फिर ई एस फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है अगर सिंगुलर है वर्ब तो ये स्ट्रक्चर आगे बढ़ेगा और जैसे ही नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे या इंटरोगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप ध्यान दें कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा नेगेटिव सेंटेंसेस में, हेल्पिंग वर्ब होंगे क्या यहाँ पे डू या फिर डज। तो गाइज ये चीज आप ध्यान रखिए, इसे याद कर लीजिए कि जब भी हम इनडेफिनिट सेंटेंसेस बनाते हैं तो वहां पे नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव में, आगे इंटरोगेटिव भी आपको बताऊंगी, उसमें डू या डज का यूज होता है। सिंपल सेंटेंसेस में हम सिर्फ एस या ई एस का यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो जैसा यहां रूल था सिंगुलर के साथ एस या ई एस आता है प्लूरल के साथ नहीं, वैसे ही अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज आएगा, प्लूरल है तो डू आएगा। इसको आप अच्छे से याद रखने के लिए ये चीज समझिए कि जब एस या ई एस सिंगुलर में जुड़ रहा था तो यहाँ डू के साथ एस या ई एस जुड़ा हुआ है, तो सिंगुलर के साथ डज आएगा। इन्हीं सेंटेंसेस को लेते हैं, वह गाना गाती है इसे बोलेंगे वह गाना नहीं गाती है, तो इसका हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट शी, फिर शी के साथ क्या आएगा डज आएगा, शी डज, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, फिर ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग। अब यहाँ पे आप कंपेयर करें इस सेंटेंस को तो आप पाएंगे कि यहाँ से एस जो है वो रिमूव हो गया है, तो जब हम डू या डस का यूज कर लेते हैं तो हम उसके बाद वर्ब में एस या एस नहीं जोड़ते, वी वन एज इट इज यूज करते हैं। इसी तरीके से आगे सेंटेंस लेते हैं, वे बाजार नहीं जाते हैं तो क्या बोलेंगे दे, फिर दे क्या है प्लूरल है तो क्या आएगा डू, दे डू नॉट गो टू द मार्केट। तो है ना इजी कि जब भी आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो वर्ब में एस या एस जोड़ देना है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो, प्लूरल है तो सिर्फ और सिर्फ वी वन, और जैसे ही नेगेटिव में आते हैं तो डू डस का यूज कर लेते हैं। इंटरोगेटिव बनाना हो क्या वह गाना गाती है, तो ऐसे सिचुएशन में जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो अब हम उसी की बात कर लेते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि स्ट्रक्चर चेंज होता है और ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे पहले आती है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो ये पोजीशन थी ये यहीं पे है, ये यहीं पे है, ये यहीं पे है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, वो क्या होगी डू या फिर डज। क्या वह गाना गाती है, डज शी सिंग अ सॉन्ग, तो सिर्फ और सिर्फ ये पहले रख दिया, शी सिंग्स अ सॉन्ग था यहां से एस हट गया क्योंकि डज यहां पे है,
बन गया आराम से। इसी तरीके से और भी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। प्रेजेंट इनडेफिनिट की पहचान आपने समझ ली, जो चीज़ आप बार बार करते हैं, रिपीट होती है, जो आपकी आदत में शामिल होती है, उसका जिक्र हम करते हैं इस टेंस के सेंटेंस में। अब आगे बढ़ते हैं और पास्ट इनडेफिनिट को समझ लेते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में, हम बात कर लेते हैं पास्ट के सेंटेंसेस की। तो गाइस पास्ट इंडेफिनिट की पहचान हो जाएगी ता था ती थी, तो सेंटेंस के एंड में ऐसे वर्ड्स आएंगे ते थे, ठीक है। इसके साथ ही साथ ये तो आते ही हैं, जैसा आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में समझा कि जो चीज आदत के तौर पे आप करते हैं, वैसे जो आप आदत के तौर पे पहले करते थे उसके लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आ ई ए जैसे साउंड पे भी अगर सेंटेंस एंड होता है तो भी यही टेंस यूज होता है। पास्ट इंडेफिनिट कह लें या फिर सिंपल पास्ट कह लें, नाम अलग है काम एक ही है। आ ई ए से मेरा मतलब हो गया, जैसे मैं बोलूं मैंने खाना खाया, आपने अंग्रेजी सीखी, वे स्कूल गए। तो आप क्या पाएंगे कि आ की साउंड इसमें आ रही है, ई का साउंड यहां आ रहा है और ए का साउंड यहां आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि मैं कहानी पढ़ती थी, अगर बचपन में मैं कहानी पढ़ती थी ये बताना हो तो भी यही टेंस यूज होगा, और अगर मैं बोलूं कि मैंने कहानी पढ़ी तो हो सकता है कल पढ़ी, परसों पढ़ी या सुबह पढ़ी, तो दोनों का ट्रांसलेशन सेम होगा, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं इस टेंस के सेंटेंस का, जो कि होगा सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है गाइस, वी टू जो मैंने आपको बताया, वी वन वी टू वी थ्री, इसमें ये जो वी टू है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इसी टेंस में यूज होता है, सिंपल पास्ट में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में। इसके अलावा वी टू का इंग्लिश में कहीं कोई यूज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसी टेंस के लिए ये वी टू बना हुआ है। तो इसमें आपको फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म दोनों का यूज आएगा, वो कैसे, पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए वी टू और नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए वी वन का यूज होगा, क्योंकि यहां भी दूसरी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी इनका साथ निभाने के लिए। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर सबसे पहले हमने देखा, अब इस पे हम सेंटेंसेस बनाते हैं। मैंने खाना खाया, तो मैंने के लिए आई, और आई के साथ सेकेंड फॉर्म ईट की सेकेंड फॉर्म होती है एट, ईट एट ईटन, तो यहां सेकेंड फॉर्म यूज हुई आई एट फिर खाना, यानी कि फूड, आई एट फूड। तो गाइस दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तो कि वी टू सिर्फ और सिर्फ इसी टेंस में यूज होता है, साथ ही साथ पॉजिटिव सेंटेंसेस में आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, सब्जेक्ट चाहे जो भी हो सबके साथ वी टू यूज कर लेना है, तो इसलिए आपके लिए ये काम इजी हो जाएगा। आपने अंग्रेजी सीखी, आपने यू, लर्न की सेकेंड फॉर्म learned, English, ठीक है, object क्या है English, you learned English, easy है ना, आपको इसकी tension ही नहीं लेनी है। वे स्कूल गए, they went, go की second form मैंने आपको बताई went, they went to school, ठीक है। अब यहां पे आते हैं और समझते हैं इन दोनों के बारे में आपको क्या बता रहे थे, मैं कहानी पढ़ती थी तो इसका हो जाएगा I read story, ठीक है। अब मैंने कहानी पढ़ी, इसकी भी यही इंग्लिश होगी, I read story। अब read मैं इसे बोल रही हूं, read की सेकेंड फॉर्म को प्रोनाउंस अलग तरीके से किया जाता है, स्पेलिंग सेम होती है, R E A D read and R E A D read भी इसे पढ़ते हैं, सेकेंड फॉर्म में read प्रोनाउंस करेंगे। अब आप सोचेंगे कि अगर मैंने किसी से बोला आई रेड स्टोरी तो कोई कैसे समझेगा कि मैं ये वाली बात कह रही हूं या फिर ये वाली,
तो गाइज ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की बात कर रहे हैं। अगर आप बचपन की कोई बात बता रहे हैं और उसमें आपने बता दिया आई रेड स्टोरी, तो दैट मीन्स कि आप कब की बात कर रहे हैं। और अगर अभी बात कर रहे हैं और आप बता रहे हैं इस तरीके से, तो दैट मीन्स कि आप अभी रिसेंट पास्ट की बात कर रहे हैं। तो बात के कॉन्सेप्ट से ये समझ में आता है कि आप किस समय की बात कर रहे हैं, क्योंकि कई रूल्स ऐसे हैं जहां पे दो तरीके के सेंटेंस की ट्रांसलेशन एक ही होती है। अब गाइस इसमें भी समझ लेते हैं कि इसमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, तो स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस, यहां जो हेल्पिंग वर्ब आती है ना वो होती है डिड, और उसके बाद नॉट, और फिर वी वन, और फिर ऑब्जेक्ट। तो गाइज ये चीज आपको अच्छे से समझ लेना है कि सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट और फिर वी वन। पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए वी टू था, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के लिए वी वन है, फिर ऑब्जेक्ट है। इन्हीं सेंटेंसेस को लेते हैं। मैंने खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट फूड। तो डिड नॉट यूज किया, यहां भी आपको बस इस चीज का ही ध्यान रखना है कि आपने नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में इसको यूज करना है। उसके अलावा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड। तो आई डिड नॉट ईट फूड, आपने अंग्रेजी नहीं सीखी, यू डिड नॉट लर्न इंग्लिश। तो यहां पे लर्न की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है। इसी तरीके से और क्या सेंटेंस है, वे स्कूल नहीं गए, दे डिड नॉट गो टू स्कूल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने कहानी नहीं पढ़ी, आई डिड नॉट रीड स्टोरी। तो इस तरीके से आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब इस स्ट्रक्चर से और आगे बढ़ते हैं, इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड पहले आ गई, और उसके बाद फिर आया सब्जेक्ट, फिर वी वन, फिर ऑब्जेक्ट। तो डिड सबसे पहले, क्या मैंने खाना खाया, डिड आई ईट फूड। इस तरीके से आप आगे और बना सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां बता दूं गाइस, कि जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो दो तरीके के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। दो तरीके से मेरा मतलब ये है कि जैसे आपने क्या से शुरुआत की किसी सेंटेंस की, क्या मैंने खाना खाया, तो ये एक तरीका हो गया जहां की आपने हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले ले आई। उसी तरीके से एक होता है क्वेश्चन वर्ड वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस, जैसे कि मैं बोलू कि मैंने खाने में क्या खाया, या फिर मैंने अंग्रेजी क्यों पढ़ाई। ये सेंटेंस ले लेते हैं, मैंने अंग्रेजी क्यों पढ़ाई। यहां पे आप देखिए कि ये जो क्यों है, ठीक है, ये क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले इसने आ जाना है, इसको प्रायोरिटी दी जाती है। अगर क्वेश्चन वर्ड है सेंटेंस में तो वो सबसे पहले आता है, तो क्योंकि इंग्लिश हमने लिखी व्हाई। उसके बाद जो इसके पहले का स्ट्रक्चर था ना इंट्रोगेटिव का, क्या वाला, वही रख देते हैं। व्हाई के बाद डिड, फिर आई यानी कि हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ड टीच इंग्लिश, ठीक है। व्हाई डिड आई टीच इंग्लिश, तो इस तरीके से बनता है। अब इसमें भी एक और पॉइंट आता है, जबकि इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनता है। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या है कि सवाल तो पूछा ही जा रहा है, साथ ही साथ नहीं का भी जिक्र हो। जैसे मैं बोलूं मैंने अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाई, तो यहां पे ये जो नहीं का नॉट है ना वो सब्जेक्ट के बाद आता है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। तो किसी भी टेंस का सेंटेंस हो, अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो उसका स्ट्रक्चर यही होगा, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, और फिर वर्ब, और फिर वर्ब यानी कि मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जब हम कॉन्ट्रैक्शंस का यूज करते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। जैसे डू और नॉट को जोड़ा, डू और नॉट को जोड़ा तो ये बन गया डोंट। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन बनते हैं ये इसके साथ जुड़ जाता है, ये ओ गायब होकर अपोस्ट्रोफी लग जाता है। तो मैं डिड की बात कर रही हूं, तो डिड और नॉट को जोड़ेंगे तो बन जाएगा डिडंट। तो डिड में एन जुड़ गया, ओ हट के अपोस्ट्रोफी डिडंट। तो ये है,
तो जब भी हम कॉन्ट्रैक्शंस के साथ बनाते हैं तो ये नॉट इसके साथ ही चिपक जाएगा और फिर ये यहां से जगह खाली कर देगा। तो आप अगर इस सेंटेंस को बनाते हैं ना, व्हाई डिड आई, अलग अलग बनाएंगे तो नॉट, व्हाई डिड आई नॉट टीच इंग्लिश, और साथ में बनाएंगे तो आप बोलेंगे व्हाई, जब डिड और नॉट एक में चिपक गए तो ये हो गया व्हाई डिडंट, फिर आई, फिर टीच इंग्लिश, फिर जगह खाली हो गई नॉट वाली, इसके बाद सीधे वर्ब आ गया Why didn't I teach English? तो इस तरीके से मैंने आपको negative, interrogative, interrogative, negative और साथ ही साथ question word वाले interrogative, negative भी आपको बता दिए। तो आप इन चीजों में confuse ना हो। अब हम सिर्फ और सिर्फ positive sentences की practice करते जाएंगे आगे के tenses में, ताकि आप जल्दी से सभी tenses को सीख सके। Interrogative, negative आप इन्हीं तरीके से बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। गाइस अब बात कर लेते हैं फ्यूचर इनडेफिनिट की या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस की। तो इसकी पहचान थोड़ी अलग है, यहाँ पे ता वाला जिक्र नहीं होता, यहाँ पे पहचान है गा गी गे, ठीक है। और ये वो सेंटेंसेस होते हैं जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग यानी कि बोलते समय ही प्लान कर लिए जाते हैं। यहाँ पे ये बात नहीं आती कि आप कोई काम रेगुलर कर रहे थे, आदत के तौर पे कर रहे थे या नहीं। जैसे कि आप बोलें कि मैं जाऊँगा, मैं खाऊंगा, मैं आऊँगा, मैं नहाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, ये सिंपल जो सेंटेंसेस हैं वो सब इस कैटेगरी में आते हैं। तो आप इसको प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट से कंपेयर ना करें तो ही बेहतर है, क्योंकि उसके जैसा रूल इसमें लागू नहीं होता। इसका स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है जो आपको बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको वी वन यूज करना है, कोई ऐसे आई एस का झंझट नहीं है, कोई वर्ब की सेकेंड फॉर्म की झंझट नहीं है। और साथ ही साथ आपको बता दूं, यहाँ जो दो हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रहे हैं ना, विल और शैल, इनका ये रूल है कि आई और वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, बाकी सभी के साथ यानी कि ही शी इट दे या फिर किसी के नाम के साथ हम विल का यूज करते हैं। तो बाकी सभी के साथ विल का। लेकिन इसमें भी एक गुड न्यूज है आपके लिए कि पहले इंग्लिश में ये बहुत ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज बहुत ही कम हो गया है। आप आई और वी के साथ भी विल का यूज कर सकते हैं। तो मोटे तौर पे आप समझे कि आप विल का यूज सभी के साथ कर सकते हैं। तो आई और वी आए या फिर कुछ भी आए, आप विल का यूज कर लें। तो मैं आपको विल के साथ ही बताती हूँ सेंटेंसेस कि अगर मैं वही सेंटेंस लूं कि मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगी, ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट भी है इसलिए ये सेंटेंस लेते हैं, मैं अंग्रेजी पढ़ाऊंगी, तो इसको हम बनाएंगे आई सब्जेक्ट हो गया, फिर विल लगा लें या फिर शैल लगा लें, दोनों ही सही है। आई विल टीच इंग्लिश, ये सबसे इजी लग रहा होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, साथ ही साथ इसकी भी टेंशन नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है या कौन सा वर्ब यूज करें हम। तो आई विल टीच इंग्लिश या फिर आई शैल टीच इंग्लिश। वह गाना गाएगी, she will sing a song। अब नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बोलेंगे, she will not sing a song। इंटरोगेटिव बनाएंगे, will she sing a song। तो इस तरीके से बड़े ही आसानी से आप इन्हें बना सकते हैं, और ये बहुत ही आसान टेंस है जो आप बात करते करते बोलते हैं फ्यूचर की बात है कि मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, आई विल डू सो, मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर, इस तरीके से आप आसानी से इस टेंस को बनाएं। अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं कंटिन्यूअस टेंसेज में। गाइस कंटिन्यूअस टेंसेज बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा यूज भी होते हैं, क्योंकि जब आप कोई काम कर रहे हैं उसी वक्त आप उसका यूज करते हैं। तो अगर हम बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो इसकी पहचान जो है वो हो जाएगी रहा है, सेंटेंस के एंड में ये वर्ड्स आएंगे, रही है, रहे हैं, रहा हूं, मैं के साथ ये यूज होता है, रही हूं, ठीक है। तो
ये इसकी पहचान हो गई कि सेंटेंस के एंड में ये आएंगे। और एक बात का आप ध्यान रखिए कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है दैट मीन्स कि बोलते वक्त आप वो काम कर रहे हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं खाना खा रही हूँ तो आप बोलेंगे नहीं खाना कहाँ खा रही हो, झूठ बोल रही हो। तो वही चीज है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस हो गया कि मैं बोलते वक्त वही काम कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस। अब यहाँ पे आप इंट्रोड्यूस होते हैं इज एम आर से। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जुड़ेगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो अभी तक आपने वी वन वी टू के बारे में पढ़ा, अब यहाँ जो V1 है उसमें ING जुड़ जाएगा। अब ये आप समझिए कि V1 में ING जोड़ने का क्या मतलब हुआ। तो जैसे वर्ब है गो, गो में ING जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा गोइंग, ठीक है। और इज एम आर कहाँ यूज करते हैं, तो जो मैंने आपको बताया था आई वी यू ही शी इट और दे, ठीक है। इनके ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। आई के साथ एम आएगा, सिर्फ और सिर्फ आई के साथ एम का यूज होता है और वी के साथ आर का यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। और यू तो मैंने आपको पहले ही बताया, यू चाहे सिंगुलर के लिए यूज हो या प्लूरल के लिए यूज हो, यू के साथ प्लूरल वाली वर्ब ही आती है तो आर का यूज होगा। तो गाइज आर का यूज सभी प्लूरल के साथ, जिसमें कि एक्सेप्शन क्या है, यू सिंगुलर हो तो भी आर का यूज होगा, और एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ, और जितने भी सिंगुलर है ना, किसी का नाम हो, ही शी इट हो, उसके साथ इसका यूज होगा। तो दे के साथ भी क्या आएगा, दे प्लूरल है, आर आएगा। तो इस तरीके से आगे सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे। मैं के लिए हो गया आई, और उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, एम, फिर क्या है, पढ़ा रही हूं, पढ़ाने की इंग्लिश टीच, आई एम टीच में आई एन जी जुड़ गया, टीचिंग, आई एम टीचिंग। अब यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर मैं बोलती मैं अंग्रेजी पढ़ा रही हूं तो यहां हो जाता आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो इस तरीके से आप इनके सेंटेंसेस बनाते हैं। यू वाला भी ले लेते हैं, आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो उसके लिए हो जाएगा यू, यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब, आर, फिर सीखने के लिए लर्न, उसमें आई एन जी जुड़ गया लर्निंग, और ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, ठीक है। अब इस वाला भी सेंटेंस ले लेते हैं, मीरा, मीरा बाजार जा रही है, मीरा इज, मीरा के साथ इज आया, ही होता, शी होता, इट होता तो भी इज आता, मीरा इज जा रही है, तो गो में आई एन जी गोइंग और बाजार टू द मार्केट, इजी। अब इसमें नेगेटिव बनाएंगे तो इज एम आर के बाद नॉट एड हो जाएगा और उसके बाद वर्ब में आई एन जी फिर ऑब्जेक्ट। तो इन्हीं को बना लेते हैं, आई एम नॉट टीचिंग, यू आर नॉट लर्निंग इंग्लिश, मीरा इज नॉट गोइंग टू द मार्केट। इंटरोगेटिव में यही हेल्पिंग वर्ब्स पहले आ जाते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि ये अपनी जगह एक्सचेंज कर लेते हैं। तो एम पहले आया, आई बाद में गया, एम आई टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रही हूँ, आर यू लर्निंग, आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, इज मीरा गोइंग टू द मार्केट, क्या मीरा बाजार जा रही है। अब जब इसमें क्वेश्चन वर्ड आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ, मतलब कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, तो हो जाएगा वॉट एम आई टीचिंग, तुम क्या सीख रहे हो, वॉट आर यू लर्निंग। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, तो वॉट के बाद आर। अब देखिए गाइस पास्ट कंटिन्यूअस की जब हम बात करेंगे तो एक चीज और बता दूं कि कंटिन्यूअस टेंसेस को प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में प्रोग्रेसिव नाम से आता है तो आप कंफ्यूज ना हो, दोनों एक ही हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस में इसकी पहचान है कि सेंटेंस के में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बोलते वक्त वो काम जारी है तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। और पास्ट कंटिन्यूअस को पहचान क्या है कि जब हम किसी समय की बात कर रहे हैं उस समय पर वो काम जारी था। तो अगर कोई आपसे पूछे, मान लीजिए कि आपके पापा ही पूछते हैं कि कल तुम 8 बजे क्या कर रहे थे, तो जवाब आता है मैं दुकान जा रहा था, यानी कि उस 8 बजे की बात हो रही है, उस समय पर ये काम जारी था। ये इसकी परफेक्ट पहचान है कि किसी समय पर वो काम
हो रहा था, मैं दुकान जा रहा था। इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए, यहाँ पे आप दो नए वर्ब्स से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, वॉज और वर। वहां था इज एम आर, यहाँ है वॉज वर। अब हम किसके साथ क्या यूज करेंगे, सभी सिंगुलर के साथ वॉज, सभी प्लूरल के साथ वर। तो यहाँ पे आई सिंगुलर की तरह यूज होगा, आई के साथ वॉज आएगा और यू के साथ, जैसा मैंने बताया कि हमेशा ही प्लूरल वर्ब आती है तो यू के साथ वर। अब ट्रांसलेट करते हैं, मैं के लिए आ गया आई, फिर आई के साथ वॉज, जा रहा था गो में आई एन जी गोइंग, आई वॉज गोइंग दुकान टू द मार्केट। इजी है ना, बहुत ही इजिली आप इसे बना सकते हैं। वह खाना खा रही थी, वह यानी कि शी, शी के साथ आया वॉज, शी वॉज ईटिंग, खाना खा रही थी ना, तो ईटिंग फूड। तो स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखिए, आराम से सेंटेंसेस बनाइए। वे टीवी देख रहे थे, वे के लिए दे, दे प्लूरल है, दे के साथ वर आएगा, दे वर वॉचिंग टीवी। ठीक है, टीवी देखने के लिए हम वॉच का यूज करते हैं। तो इस तरीके से ये सेंटेंसेस बने, ये टेंस भी क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को समझेंगे, जिसे कि फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी आप बोल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में, और इसकी पहचान है कि सेंटेंस किन में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी, ऐसे वर्ड्स आएंगे। तो यहां पे वही बात आए कि जिस समय की आप बात कर रहे हैं उस समय पर ये काम हो रहा होगा। सपोज कि आपके पापा आते हैं और आपसे यही पूछते हैं कि कल 8 बजे यानी कि जो आने वाला कल है तुम क्या कर रहे होगे, उस पे जवाब आता है मैं सो रही होंगी। ठीक है, सपोज कि ये जवाब आया, तो इस तरीके से उस 8 बजे जो कल आएगा उसकी बात हुई और उस समय मैं सो रही होंगी, ये मैंने बात बोली। तो ऐसे में आप इस टेंस का यूज करते हैं जब उस समय पे वो काम हो रहा होगा। स्ट्रक्चर देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी। अब यहाँ पे आपने बी का यूज देखा, विल शैल इसके पहले यानी कि फ्यूचर इनडेफिनिट में यूज होता था, अब फ्यूचर कंटिन्यूअस में आप बी भी साथ में यूज करेंगे। यहां मैंने शैल इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि आप सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज कर सकते हैं, शैल मोस्टली मॉडल वर्ब्स में ज्यादा यूज होता है, तो यहाँ पे आप विल के साथ ही समझिए। तो सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, जैसे मैंने बताया गोइंग, लीविंग, डांसिंग, इस तरीके से। फिर ऑब्जेक्ट, मीना पढ़ रही होगी, तो यहाँ पे इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी मीरा विल बी पढ़ने के लिए स्टडिंग। यहाँ पे स्टडी से मतलब है पढ़ने का, अगर आप मान लीजिए रीडिंग लगाने की बात कर रहे हैं तो आप रीडिंग भी बोल सकते हैं। मीरा विल बी स्टडिंग, तुम होमवर्क कर रहे होगे, यू, यू के साथ भी हम विल का यूज करते हैं, यू विल बी डूइंग होमवर्क। मैं सो रही हूंगी, आई विल बी स्लीपिंग, एंड इफ आई से आई शैल बी स्लीपिंग तो भी गलत नहीं होगा। अब यहां एक और बात ध्यान देने वाली है कि जब हम इन सेंटेंसेस का नेगेटिव बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दो है ना विल और बी, तो इसके बीच में नॉट आएगा। तो अगर हमें बोलना है मीरा नहीं पढ़ रही होगी तो हम बोलेंगे मीरा विल नॉट बी स्टडिंग। क्या मीरा पढ़ रही होगी, विल मीरा बी स्टडिंग, तो विल और बी के बीच में आएगा जो भी आएगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन बनाते हैं तो विल पहले आ जाएगा, बी यही रहेगा, विल मीरा बी स्टडिंग, और नेगेटिव है तो विल और बी के बीच में। तो जब भी ऐसे दो वर्ड्स के आते हैं तो नॉट उनके बीच में आता है। तो गाइज अब हम बात करेंगे परफेक्ट टेंसेस की। परफेक्ट टेंसेस ऐसे टेंसेस हैं, अगर इसमें आपने परफेक्शन पा ली तो आपकी इंग्लिश को परफेक्ट करने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब हम बात करेंगे सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट की, जिसकी पहचान है कि सेंटेंस के एंड में आएगा चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, चुके हो, चुकी हो, इस तरीके के वर्ड्स, या फिर सेंटेंस के एंड में ऐसे साउंड भी आ सकते हैं, आ है, ई है, ए है, ऐसे साउंड। अब इनसे मेरा क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था मैंने खाना खा लिया है, लिया है में कौन सा साउंड आया, आ है।
तो इस तरीके से आप इनकी पहचान कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि यही वो टेंस है जहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी होती है कि सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस के एंड से नहीं पहचानते हैं। कैसे पहचानते हैं? जो परफेक्ट टेंस है, स्पेशली प्रेजेंट परफेक्ट की अगर बात करें, तो इसमें जिस भी काम की हम बात कर रहे हैं वो इस समय जब हम बात कर रहे हैं कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है, उसका रिलेशन इस समय से है। तो इसमें और पास्ट इनडेफिनिट में आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, इसका रिलेशन इस समय से है। अगर मैंने बोला मैंने खाना खा लिया है, तो भले ही मैंने 2 घंटे पहले खाना खाया था, लेकिन अभी अगर मुझसे पूछा जा रहा है क्या तुमने खाना खाया है, तो मैं बोल रही हूँ हाँ मैंने खाना खा लिया है, तो रिलेशन अभी से है। अब आप इसमें ध्यान दीजिए, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है, सब्जेक्ट और नया वर्ब इंट्रोड्यूस हो रहा है आपके लिए, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। तो has और have का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अभी तक आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing यूज किया और वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज किया। वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं परफेक्ट टेंसेज में। तीनों ही परफेक्ट टेंसेज में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे, फिर सेंटेंस पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंटरोगेटिव हो, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। अब देखिए इसके बाद है ऑब्जेक्ट, तो हैज किसके साथ यूज करना है और हैव किसके साथ, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, लेकिन आई और यू एक्सेप्शन है। यहाँ पे आई के भी साथ हैव यूज होगा और यू के साथ भी हैव यूज होगा। तो ये आपने समझ लिया। अब सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, मैंने खाना खा लिया है, मैंने के लिए आई, आई के साथ क्या आएगा, हैव, आई हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, I have eaten food. ठीक है, यहां ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट का यूज किया, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो कोई जरूरत नहीं है यूज करने की। तुम पढ़ चुकी हो, तुम के लिए यू, फिर यू के साथ हैव, यू हैव पढ़ चुकी हो, स्टडीड, स्टडी की थर्ड फॉर्म स्टडीड। अगर रीडिंग वाले पढ़ने की बात है तो हम रेड का यूज करेंगे, वे आ चुके हैं, दे क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ भी हैव आया, दे हैव आ चुके हैं, अराइव्ड, ठीक है, तो अराइव की थर्ड फॉर्म अराइव्ड। अभी हमने हैज का कोई भी सेंटेंस नहीं लिया, तो मान लीजिए मुझे बोलना है कि वह गाना गा चुकी है, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, शी हैज सिंग का थर्ड फॉर्म होता है संग, शी हैज संग अ सॉन्ग, तो ये सेंटेंस है हैज के साथ। अब बात करते हैं अगर नेगेटिव आता है तो हैज या हैव के बाद नॉट लगा देंगे। तो इन्हीं सेंटेंसेस में देख लेते हैं, मैंने खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन फूड, तुम नहीं पढ़ चुकी हो, यू हैव नॉट स्टडीड, वे नहीं आ चुके हैं, दे हैव नॉट अराइव्ड। इसी तरीके से अगर इंटरोगेटिव बनाएंगे, क्या मैंने खाना खा लिया है, हैव आई ईटन फूड, तो हैव सबसे पहले आ गया, उसके बाद आई। क्लियर, प्रेजेंट परफेक्ट की यही पहचान है कि उसका ताल्लुक अभी से है, जो भी बात कंप्लीट हो गई है, जो क्रिया, उसका रिलेशन अभी से है। अब पास्ट परफेक्ट की बात कर लेते हैं। ये वाला टेंस तो प्रेजेंट परफेक्ट से भी आसान है, और वो क्यों मैं आपको बताऊंगी। गाइस वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत ही आसानी से आप सारे टेंसेज इस एक वीडियो में क्लियर कर लेंगे। वीडियो में एंड तक बने जरूर से रहिएगा। पास्ट परफेक्ट की जो पहचान है वो है कि सेंटेंस के एंड में चुका था, चुकी थी, चुके थे ये वर्ड्स आएंगे, या फिर आ था, ई थी, ए थे ये साउंड आएंगे, जैसे कि लिया था, दिया था, खाया था, नहाई थी, गए थे, इस तरीके से। तो इसका जो फॉर्मूला है ना वो आसान है, क्योंकि इसमें आपको सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल, एक वचन या बहुवचन होने की टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, जैसा कि मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट में बताया था, डिड, सिर्फ और सिर्फ डिड यूज करना था, उसी तरीके से यहाँ पे सिर्फ हैड का यूज करना है। तो इसलिए आपको इससे परेशान नहीं होना, सीधे सभी के साथ हैड लगा देना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा जो पहचान है, जो आपको बात समझनी है, प्रेजेंट में प्रेजेंट से कोई रिलेशन होना चाहिए, वैसे ही पास्ट वाले में, पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस आप तब समझ पाएंगे जब पास्ट के किसी समय से पहले वो काम पूरा हो गया था।
तो मान लीजिए कि आपके पापा ऑफिस गए, उसके बाद ऑफिस से लौट के आए, तो रात को वो ये पूछते हैं कि जब मैं सुबह ऑफिस गया तो क्या तुमने खाना खा लिया था। तो उस समय से रिलेशन है, उस समय की बात कर रहे हैं, उस समय क्या तुमने खाना खा लिया था, क्या काम पूरा हो गया था। तो उस पे आप जवाब देते हैं हाँ मैंने खाना खा लिया था, मतलब उस समय ये काम पूरा हो गया था। तो ये इसी कैटेगरी का सेंटेंस है, मैंने के लिए आई, उसके बाद हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, आई हैड ईटन फूड। वह होमवर्क कर चुका था, मान लीजिए उसी समय पूछ क्या तुमने होमवर्क कर लिया था, हाँ वह होमवर्क कर चुका था। ही हैड डन द होमवर्क। वे बात कर चुके थे, वे के लिए दे, फिर हैड, कोई टेंशन ही नहीं लेनी, हैड लगा देना है, दे हैड टॉक्ड। ठीक है, क्लियर? तो इतना इजी है, जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय काम पूरा हो गया था। इसका नेगेटिव बनाएंगे, मैंने खाना नहीं खाया था, आई हैड नॉट ईटन फूड, तो हैड के बाद नॉट आ जाएगा। वह होमवर्क नहीं कर चुका था, ही हैड नॉट डन द होमवर्क। इंटरोगेटिव बनाएंगे, हैड आई ईटन फूड, क्या मैंने खाना खा लिया था। तो इस तरीके से ये टेंस क्लियर होता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट की पहचान है कि सेंटेंस के अंदर चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होंगी जैसे वर्ड्स आते हैं। लेकिन अगर बातों में समझने की कोशिश करें तो जब हम फ्यूचर के, भविष्य के किसी समय की बात करते हैं, उस समय काम पूरा हो चुका होगा, तब हम ये टेंस यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर समझिए, फिर एग्जांपल्स में आप अच्छे से समझेंगे। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि विल आप सबके साथ यूज कर सकते हैं, टेंशन ना लें, विल का यूज करें बिंदास। फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में आएगी, ये आपको याद रखना है। अब मान लीजिए कि सिचुएशन ये है कि कोई लेने आ रहा है किसी को और बोलता है कि क्या वो इतने समय मेरे साथ चलेगी। तो उसे टीवी देखने की बहुत बुरी आदत है, वो टीवी देखे बिना कोई काम नहीं करती, उसका पर्टिकुलर कोई सीरियल है किसी टाइम पे वो देखती देखती है। तो उसकी माँ कहती है कि हाँ हाँ जाएगी तुम्हारे साथ, क्योंकि उस समय तक वह टीवी देख चुकी होगी, उस टाइम पे ये काम हो चुका होगा। तो वहां हम इसे यूज करते हैं क्योंकि किसी समय का जिक्र कर दिया हमने और उस समय ये काम पूरा हो चुका होगा। तो इसे कैसे बनाएंगे, शी, फिर विल, फिर हैव, फिर देखना, वॉच, वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच, शी विल हैव वॉच्ड टीवी। तो इस तरीके से हम इसे यूज करेंगे। मैं सो चुकी होंगी, मान लीजिए कोई कहता है मैं तुमसे मिलने आऊंगा, अरे तब तक तो मैं सो चुकी होंगी, तो I will या फिर shall भी use कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम shall का ही use कर लेते हैं। I shall, फिर have, फिर slept, sleep की third form slept, I shall have slept। वे cricket खेल चुके होंगे, they will have played, played the क्रिकेट। ठीक है, तो इस तरीके से आपने विल या फिर शैल, उसके बाद हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका नेगेटिव बनाएंगे, वह टीवी नहीं देख चुकी होगी, शी विल नॉट हैव। तो जैसा मैंने बताया था जब दो वर्ड्स हों तो बीच में नॉट आता है, तो इनके बीच में आएगा नॉट। ठीक है, शी विल नॉट हैव वॉच्ड टीवी। इंटरोगेटिव बनाएंगे तो एक पहले आ जाएगा, जो पहले है वो, विल शी हैव वॉच्ड टीवी, तो विल और हैव के बीच में शी आएगा, विल शी हैव वॉच्ड टीवी, क्या वो टीवी देख चुकी होगी। तो इस तरीके से आपने परफेक्ट टेंसेस कंप्लीट कर लिए गाइस, रियली अमेजिंग। अभी आपने सबसे इंपॉर्टेंट टेंसेस को सीख लिया, परफेक्ट टेंसेस। अब हम सीखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस या फिर कह लीजिए परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंसेस। तो गाइस अब आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसकी पहचान है कि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये वर्ड्स हैं। लेकिन अब आप सोचेंगे कि जब हम कंटिन्यूअस टेंस में भी तो यही पहचान होती है, तो यहां कैसे समझे। तो यहां पे समय दिया होगा साथ में, समय का भी जिक्र होगा कि कोई काम कब से शुरू हुआ
और अभी या तो पूरा हो गया या अभी भी कंटिन्यू है, इस बात का जिक्र होगा और इसीलिए इसे परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। काम जो अभी अभी कंप्लीट हो गया है लेकिन एक ड्यूरेशन से चल रहा था, एक समय से चलता आ रहा था, तब भी यही टेंस यूज करेंगे। काम अभी भी कंटिन्यू है, पहले से चलता आ रहा है, अभी भी कंटिन्यू है, शायद आगे भी कंटिन्यू रहे, तब भी यही टेंस यूज करेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। सब्जेक्ट, फिर उसके बाद has या फिर have, फिर एक एक्स्ट्रा यहाँ पे चीज जुड़ रही है जो कि है been, been, इसे been प्रोनाउंस करेंगे, has been या फिर have been, फिर वर्ब में ing, फिर ऑब्जेक्ट है तो ठीक है ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे वरना नहीं, उसके बाद सिंस या फिर फॉर, फिर जिस टाइम से चीज शुरू हुई है उसका जिक्र करेंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान ये दीजिए कि परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, साथ ही साथ बीन जुड़ रहा है, और कंटिन्यूअस टेंस का मेन वर्ब यूज कर रहे हैं यानी कि वर्ब में आईएनजी जुड़ रहा है, तो इन दो चीजों से इसे कनेक्ट कीजिए। फिर सिंस या फिर फॉर, दोनों में से एक का यूज करेंगे, उसके बाद वो टाइम जब से काम शुरू हुआ है, तो टाइम भी दो तरीके के होंगे, उसी के अकॉर्डिंग सिंस और फॉर का यूज होगा। अगर हम पॉइंट इन टाइम की बात करते हैं, मतलब किसी एग्जैक्ट टाइम की बात करते हैं, तब हम सिंस का यूज करते हैं, जैसे कि मंडे जनवरी 2018, इस तरीके से हम किसी एग्जैक्ट टाइम की बात किए तो सिंस यूज किया, और जब ड्यूरेशन की बात की तो फॉर यूज किया। अब ड्यूरेशन क्या हो गया, जैसे कि 3 years, 5 hours, 2 minutes, ठीक है। तो अब हमने जो बात मैंने आपसे कही कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग कैसे चीजों को समझा जाता है, तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूं, तो अगर काम अभी अभी पूरा हो गया तो भी मैंने ये यूज किया, और मे भी अभी मैं आगे पढ़ाऊं भी तो भी यही टेंस यूज होगा। लेकिन 2 घंटे से बोला, एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया कि 2 बजे से या 3 बजे से, 2 घंटे बोला, इसलिए फॉर का यूज करेंगे। उसी तरीके से यहां जो सेंटेंस है, मैं 2018 से यह किताब लिख रही हूं, ये जो काम है ये क्या है कि लगातार कंटिन्यू नहीं है, बीच में गैप भी है। ऐसा तो है नहीं कि मैं लगातार 2 साल से किताबें लिख रही हूं, मैं रोज थोड़ा लिखती हूँ फिर रख देती हूँ, फिर लिखती हूँ फिर रख देती हूँ। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि काम लगातार कंटिन्यू नहीं है, लेकिन उसे पॉज नहीं मिला, वो काम कंप्लीट नहीं हुआ है, वो रेगुलर बेसिस पे होता आ रहा है तब से, तो तब भी हम इस टेंस का यूज करते हैं। और यहाँ इसे बनाएंगे आई, लिखा मैं के लिए, उसके बाद आई के साथ क्या आता है, हैव आता है, जैसा पिछले टेंस में बताया था, आई हैव, फिर बीन, फिर वर्ब में आई एन जी, लिख रही हूं, राइटिंग, आई हैव बीन राइटिंग, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, दिस बुक, यह किताब है तो दिस बुक। अब क्या है, 2018 से, तो क्योंकि एग्जैक्ट टाइम की बात की, पॉइंट इन टाइम की, तो हम यूज करेंगे सिंस 2018, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है, वह 2 घंटे से इंतजार कर रही है, शी, इसके साथ आएगा हैज, शी हैज बीन, इंतजार कर रही है, वेटिंग, शी हैज बीन वेटिंग। अब क्योंकि ये ड्यूरेशन है 2 घंटे से, तो हम यूज करेंगे फॉर, 2 hours। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूं, आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours। अगर मैं बोलती मैं 2 बजे से पढ़ा रही हूं, तो मैं बोलती आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2 o'clock। तो ये फर्क है सिंस फॉर का, और ये तरीका है इनके सेंटेंसेस बनाने का। अब आपने ये समझ लिया, अब मैं इसमें आपको एक नेगेटिव सेंटेंस भी बता देती हूँ कि अगर मैं बोलूँ कि वह 2 घंटे से इंतजार नहीं कर रही है, She has not been, has और been के बीच में not आएगा, She has not been waiting for 2 hours। इसे interrogative बनाएंगे तो has पहले आ जाएगा, She उसके बाद, has she been waiting for 2 hours, interrogative negative है तो has she not been waiting for 2 hours, तो इस तरीके से। अब आगे बढ़ते सीखते past perfect, वो भी बहुत ही आसान है। तो past perfect continuous में इसकी पहचान है वाक्य के अंत में, रहा था, रही थी, रहे थे आएगा, जैसे past continuous में था, लेकिन साथ में समय दिया होगा, इससे आप समझ जाएंगे कि ये past perfect continuous का tense है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट के बाद had, फिर से वही बात आई कि यहां आपको टेंशन नहीं लेना कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल, आप सबके साथ had का यूज करेंगे, फिर been, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस फॉर, और फिर
चांद। फिर आता है सेंटेंस, वो 5 बजे से आपका इंतजार कर रहा था। तो अब बातों में समझने वाली बात यह है कि हम इसका यूज तब करते हैं जब हम किसी समय से पहले का जिक्र करते हैं कि उस समय तक कोई काम जारी था। जस्ट सपोज कि एक छोटा सा बच्चा है घर में, वो अपने पापा का वेट कर रहा है 5 बजे से। तो जब पापा आते हैं तो उसकी मम्मा उनसे बोलती हैं कि वह 5 बजे से आपका इंतजार कर रहा था, सो गया। मतलब कि जब वो सोया उस समय तक वो 5 बजे से इंतजार कर रहा था। ऐसे सेंस में इसका यूज होता है। वह के लिए हमने यूज किया ही। फिर हैड, ही हैड बीन वेटिंग, वर्ड में आईएनजी, वेटिंग आपका, फॉर यू। उसके बाद क्या है, 5 बजे से, तो यूज करेंगे सिंस, 5 o'clock। क्लियर? तो इस तरीके से हमने इसे ट्रांसलेट किया। नेक्स्ट इज, मैं 2 साल से अंग्रेजी पढ़ा रही थी। किसी समय की मैं बात कर रही हूं कि उस समय तक मैं 2 साल से अंग्रेजी पढ़ा रही थी। आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश, ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। उसके बाद ये है 2 साल से, ये ड्यूरेशन है, तो यहां हम यूज करेंगे फॉर का, फॉर 2 years। क्लियर? अब इसका नेगेटिव सेंटेंस बना ले। वह 5 बजे से आपका इंतजार नहीं कर रहा था। ही हैड नॉट बीन, नॉट कहां आएगा, यहां, ही हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 5 o'clock। इंटरोगेटिव बनाएंगे, हैड ही बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 5 o'clock, तो हैड पहले आ गया। अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो हैड ही नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 5 o'clock, इस तरीके से। अब ये हो गया क्लियर आपके लिए। अब बढ़ते हैं लास्ट टेंस की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा यूज नहीं होता गाइस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी कभी कभी यूज होता है, इसलिए वो भी आपको आना चाहिए। तो अब बढ़ते हैं उसकी तरफ। तो अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की, जिसकी पहचान है सेंटेंस के में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी, ऐसे वर्ड्स आएंगे। ठीक है, अब आप ये ध्यान दीजिए कि यहां भी समय का जिक्र होगा। अब समय का जिक्र अगर बातों में करें कि जिस समय की हम बात कर रहे हैं उस समय तक कोई काम किसी समय से शुरू होकर जारी रहेगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद विल या फिर शैल, फिर हैव बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फिर फॉर और फिर टाइम। ठीक है, स्ट्रक्चर्स आप समझते चलिए, जिसकी वजह से आप बहुत ही आसानी से सारे टेंसेस, सारे सेंटेंसेस समझ पाएंगे। अब मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ कि फादर ऑफिस गए हुए हैं और वो ये पूछते हैं कि जब मैं 10 बजे आऊंगा तो मीरा क्या कर रही होगी। तो उस पे जो मदर है वो जवाब देती है कि वो 8 बजे से टीवी देख रही होगी। मतलब जिस समय की बात हुई उस समय तक कोई काम किसी समय से शुरू होके कंटिन्यू रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम इस टेंस का यूज करते हैं। और सेंटेंस कैसे बनाएंगे, वह के लिए यूज करेंगे शी, फिर विल, फिर हैव बीन, शी विल हैव बीन, फिर देख रही होगी वॉचिंग टीवी, क्या है, 8 बजे से। एक एग्जैक्ट टाइम है तो यूज करेंगे सिंस का, 8 o'clock। ठीक है, नेक्स्ट इज, मैं आधे घंटे से नाश्ता बना रही होंगी। जब तुम आओगे मैं आधे घंटे से नाश्ता बना रही होंगी। तो मैं के लिए आई, इसके बाद आप शैल का भी यूज कर सकते हैं, विल का भी। आई शैल हैव बीन क्या, नाश्ता बना रही होंगी, कुकिंग ब्रेकफास्ट, कब से, आधे घंटे से, फॉर हाफ एन आवर। तो आधे घंटे के लिए फॉर हाफ एन आवर। तो इस तरीके से हमने ने यूज किया। अब इसका नेगेटिव देखते हैं, वह 8 बजे से टीवी नहीं देख रही होगी, शी विल नॉट हैव बीन। यहां देखिए 3 वर्ड्स हैं, तो पहले और दूसरे के बीच में आएगा नॉट। ठीक है, शी विल नॉट हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 8 o'clock। अब इसे इंटरोगेटिव बनाएंगे तो सिर्फ ये विल ही पहले आएगा, हैव बीन एक साथ रहेगा। विल शी हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 8 o'clock। इस तरीके से नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं गाइज। यहाँ पे टेंसेस की लर्निंग आपके लिए कंप्लीट होती है।
मिरेकल हुआ है, आज आपने एक ही वीडियो में सारे टेंसेस समझ लिए, सारे टेंसेस आपके लिए क्लियर हो गए और आप अब हर तरीके के सेंटेंसेस बना सकते हैं अगर वो टेंसेस से रिलेटेड है तो। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा और इस वीडियो को फैला दीजिए सभी ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स और फैमिली सबके साथ शेयर कीजिए ताकि हर कोई टेंसेस को समझ के परफेक्ट इंग्लिश बोल पाए। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर आपको पसंद आ रही हो तो, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, उसके बाद आने वाले बेल के निशान को भी जरूर प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो आगे मिस ना करें। गाइज, जिस टिप की मैंने बात की थी शुरुआत में उसका समय आ गया है, मैं आपको जो गोल्डन टिप देने वाली हूँ वो बहुत ही ज्यादा काम आएगा आपके लाइफ टाइम, आपकी पूरी जिंदगी में। तो समझिए इस चीज को कि जो वर्ब की फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है उन्हें हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, टेंसेस की बात कर रही हूँ। फर्स्ट फॉर्म यूज होती है इनडेफिनिट टेंसेस में, वो भी प्रेजेंट इनडेफिनिट एंड फ्यूचर इनडेफिनिट एंड पास्ट इनडेफिनिट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। और वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है सिर्फ और सिर्फ पास्ट इनडेफिनिट में। वर्ब की थर्ड फॉर्म्स यूज होती हैं तीनों परफेक्ट टेंसेस में, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ के हम किसमें किसमें यूज करते हैं, तीनों कंटिन्यूअस टेंसेस में एंड तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में। तो वर्ब की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म का कहाँ यूज करना है आप अब बखूबी समझ गए हैं। तो चैनल पर हमेशा बने रहिए नए अपडेट्स के लिए, जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करती हूँ सबको देखें, इंग्लिश को परफेक्ट बनाएं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। विल मीट यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।